एलिसा ने कहा कि मंगल पर जाने के बाद उसे परिवार और दोस्तों के अलावा उसे धरती की नेचर की यादें बहुत सताएंगी। मंगल ग्रह तो बहुत ही ठंडा और साथ ही पथरीला भी है। पृथ्वी पर हवा, पानी और पेड़ हैं। उसे स्कूल के आखिरी दिन और अपनी ट्रेनिंग के लिए बिताए गए दिन भी बहुत याद आए। एलिसा के पापा ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि जिस संतान को मैं पाल रहा हूँ वो एक दिन उसे दूसरे ग्रह पर जाने की जिद करेगी और मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये सोचने पर दिमाग चक्कर खाने लगता है कि एलिसा 20 साल तक ही मेरे पास है, इसके बाद शायद ही मैं उसे देख नहीं पाऊँ। चंदा मामा को मुट्ठी में कैद करने के लिए और खिलौनों की खेलने की उम्र में लाल ग्रह की गोद में बैठने के सपने देखने वाली अमेरिका की नन्ही एलिसा कार्सन अंतरिक्ष यात्रियों के जरूरी परीक्षण के अलावा मंगल ग्रह की गर्म हवाओं से लड़ने की कई सारी डेंजरस ट्रेनिंग कर चुकी हैं और ऐसी ट्रेनिंग अभी जारी है। लुइसियाना के बैटन रूजा की 15 साल की एलिसा ने 3 साल की उम्र में अपनी बचपन की खुशियों का गला घोटकर और अपने खिलौनों को एक तरफ करते हुए अपने पापा बर्ट कार्सन से सवाल किया था, पापा मंगल ग्रह पर कोई गया है? उसके पापा ने उसे गंभीर अंदाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, मंगल पर तो नहीं लेकिन इंसान चांद पर जरूर पहुंच गया है। फिर क्या था? इसके बाद एलिसा का मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का जुनून चढ़ने लगा। वो मंगल ग्रह पर कदम रखने वाले पहले लोगों में शामिल होने और इस ग्रह पर एक नई दुनिया की नींव रखे जाने में अहम भूमिका निभाने के लिए ऐसे ऐसे परीक्षण से गुजर रही है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। वो सपने नहीं बुन रही है बल्कि मंगल ग्रह की हकीकत जीने लगी है। हम उसी मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं जहां 24 सितंबर 2014 को मंगलयान के पहुंचने के साथ ही अंतरिक्ष संगठन इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया और भारत पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला यानी सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। सबसे कम बजट से भारत की मंगल विजय ने विश्व को हैरत में डाल दिया था जिस पर कुल खर्च 450 करोड़ रुपए आया और ये अवार्ड विनर फिल्म ग्रेविटी पर आए हुए खर्च से भी कम है। पड़ोसी ग्रह मंगल पर फूल पौधे लगाने और कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने की बात करने वाली एलिसा के दिल में मंगल ग्रह पर कदम रखने की ख्वाहिश 3 साल की उम्र में उस समय आने लगी जब उसने बच्चों के टेलीविजन शो द वैकेडिंग्स मिशन टू मार्स देखा। किसे पता था कि शो को देखकर बर्ट कार्सन की मासूम एलिसा मंगल ग्रह पर बसने का कठोर और बेहतर खतरनाक सपना देखने लगी है। सपने को ओढ़ने बिछाने और जीने लगेगी और खेलने कूदने की मासूम उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग लेने लगेगी और ये चुनौतियाँ उन लोगों के लिए सीख है जो सारा टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। साल 2027 में मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की तैयारी करने में जुटे संगठन मार्स वन की एम्बेसडर एलिसा खुशी खुशी बेहद मुश्किल एक्सपेरिमेंट से गुजर रही है। बैटन रूज इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं की स्टूडेंट ने ये पूछने पर कहा कि वो इतनी भाषाओं पर क्यों कमांड करना चाहती है। एलिसा ने झट से कहा, आज से 20 साल बाद में जब मंगल ग्रह पर जाऊंगी तो संसार के कोने कोने से लोग मुझसे कई तरह के सवाल करेंगे और ना जाने कितनी बातें करना चाहेंगे। मुझे कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। एलिसा नासा और विश्व के सभी कैंप में ट्रेनिंग ले चुकी हैं और नासा का पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। स्पेस कैंप में अंतरिक्ष और खास करके मंगल की गर्मी हवा में सांस लेने से लेकर अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हुए जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसने कहा, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बेहद ही कम है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए मुझे कम ऑक्सीजन में रहने का भी परीक्षण दिया गया है। उसने कहा, स्पेस के कैंप में ट्रेनिंग के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी गई, यानी हाइपोक्सिया की स्थिति में रखा गया ताकि ये देखा जा सके कि ऑक्सीजन की कमी होने पर मुझ में कौन कौन से लक्षण सामने आते हैं। इस दौरान मुझ में यूफोरिया देखा गया जिसमें आप खूब हंसते हैं और चुप होना मुश्किल होता है, मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। ये बेहद ही दिलचस्प एक्सपीरियंस था। एलिसा बताती है कि वो खुद को बच्चा महसूस करने के लिए अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलती है और खाली समय में पियानो बजाती है। वो सामान्य बच्चों की तरह सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी नहीं है। शांत बुद्धि की धनी एलिसा ट्रेनिंग के दौरान मुश्किल से मुश्किल बारीकियों को आसानी से समझ जाती है और यही कारण है कि उसकी स्पेस ट्रेनर और स्कूल के टीचर्स को विश्वास हो गया है कि एलिसा जरूर मंगल ग्रह पर कदम रखने वाली पहली व्यक्तियों में शामिल होगी। एलिसा पोलर सब ऑर्बिटर साइंस इन अपर मेसोफिया पोर्सुम एकेडमी में कोर्स कर रही है और उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयर स्पेस डायनेमिक्स का कोर्स पूरा किया है। इसके अलावा वो कई सारे जरूरी कोर्स कर रही है। एलिसा स्कूबा सर्टिफिकेट और पायलट लाइसेंस के लिए भी कोर्स कर रही है। स्कूबा ड्राइविंग उसकी ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की कमी है और मंगल पर उसके सफर के दौरान उसे ऐसी चीजों का आदि रहना होगा। अंतरिक्ष की तरह पानी में भी गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। स्कूबा ड्राइविंग उसे नई जिंदगी के लिए तैयार करता है। उसका अगला एजेंडा अगले 2 साल में स्पेस टेस्ट फ्लाइट बनने का है। इस मिशन में 5 से 6 घंटे लगेंगे। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने पर वो सबसे कम उम्र यानी 17 साल की सबसे छोटी अंतरिक्ष यात्री बनेगी। एलिसा लगभग 20 साल की उम्र में मंगल पर जाएगी। वो शायद वहाँ से वापस नहीं लौट पाएगी। एलिसा का मानना है कि मैं शायद वापस ना पाऊँ लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं मंगल ग्रह पर ही बस जाऊँ। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है
कि मंगल की उसकी यात्रा किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। लाल ग्रह पर जिंदगी की साक्षी बनने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। एलिसा से जब एक और चीज पूछी गई तो सब लोग हैरान हो गए। उससे पूछा गया कि उसे अपने पापा की याद नहीं आएगी। उसने कहा, मैं पापा को वीडियो संदेश भेजूंगी क्योंकि वहां से धरती पर सीधी बात नहीं होगी। दोनों ग्रह के प्रेजेंट समय में 15 से 20 मिनट का अंतर है और बर्ट कर्सन एलिसा के सिंगल फादर है। शायद ऐसी बहादुर बेटी किसी के पास होगी, लेकिन भारत में तो ऐसी बहादुर बेटी किसी के पास नहीं होगी क्योंकि भारत में तो बस पापा की परी मिल सकती है। एलिसा ने कहा कि मंगल ग्रह पर जाने से परिवार और दोस्त के अलावा उसे नेचर की यादें भी बहुत आएंगी। मंगल ग्रह तो बहुत ही ठंडा और पथरीला है, पृथ्वी पर हवा और पेड़ पौधे हैं। उसे स्कूल के अंतिम दिन और अपनी ट्रेनिंग की भी बहुत याद आएगी, लेकिन वो मंगल पर जाने के लिए उसे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं है। एलिसा हाई स्कूल पूरा करने के बाद ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में साइंस पढ़ना चाहती है और इसके बाद वो स्पेस के इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी से स्पेस इंजीनियरिंग करेगी। इसके अलावा उसकी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोबायोलॉजी यानी खगोल जीव वैज्ञानिक की पढ़ाई करने की भी इच्छा रखती है। अपनी नौकरी के बारे में एलिसा ने कहा, मैं मिशन मार्स का मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहूंगी। मैं मंगल मिशन की प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल होने की हैसियत से इसके जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पहलू का अध्ययन करूंगी, जिसमें मंगल की मिट्टी की जांच और वहां जीवन पता लगाने से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें शामिल होंगी। छोटी सी उम्र और इतने बड़े मिशन के बारे में पूछने पर एलिसा ने कहा, हमें उम्र की सीमा नहीं बांध सकती। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो बस फोकस हो जाएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आपको डराने के लिए खड़ी हो जाए। सपने को साकार करने के लिए चरवर्ती का मंत्र जापते रहना होगा। बर्ट कर्सन की दुनिया बस एलिसा के चारों ओर घूमती है। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि जिस संतान को मैं पाल रहा हूँ वो एक दिन उसी दूसरे ग्रह पर जाने की जिद करेगी और मैं उसकी मदद करूंगा। ये सोचकर दिमाग चक्कर खाने लगता है कि एलिस 20 साल तक ही मेरे पास है, इसके बाद शायद मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। इसके पिता के लिए बेहद ही मुश्किल है, लेकिन जो वो चाहती है मुझे उसकी खुशी के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे उसे जाने देना होगा क्योंकि ये मिशन हम दोनों से बड़ा है। उन्होंने कहा 2033 में एलिसा मंगल पर रवाना हो सकती है, जब सूरज का रेडिएशन सबसे कम होगा और हजारों साल बाद होने वाला वो मंगलकारी समय भी होगा, जब मंगल ग्रह धरती के काफी करीब होगा। इस बीच संसार में कई तरह के बदलाव आएंगे और नई तकनीकों का वर्णन भी होगा। कठोर तपस्या के बाद नए रूप में उभरी एलिसा मंगल ग्रह पर ही जाके मानेगी। उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि उसका मंगल ग्रह पर जाने का जुनून उसके सर पर चढ़ चुका है। वो मंगल की दहलीज पर पहुंचकर मानव जाति के लिए मिसाल बनेगी और एलिसा के बाद और भी इंसान मंगल ग्रह पर जाकर वहां पर इंसानी बस्तियां बसा सकें। अमेरिका ने साल 2013 में मंगल पर मार्स रोवर क्यूरियोसिटी भेजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2013 अक्टूबर में घोषणा की थी कि उनका देश 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर इंसान भेजेगा। अंतरिक्ष यात्री इसकी तैयारी में जुट गए थे, जिसमें 50% महिलाएं हैं। इस सफर को एक तरफ की टिकट वाली यात्रा कहा जाता है क्योंकि वहां ले जाने वाला यान तो होगा लेकिन लौटाने वाला कोई नहीं होगा। 6 अगस्त 2012 में चौथा मौका था जब नासा का रोवर क्यूरियोसिटी मंगल की सतह पर उतरा था। ये मंगल ग्रह पर भेजा गया सबसे बड़ा रोवर है। पहली बार नासा ने 1997 में मंगल ग्रह पर रोवर भेजा, उसके बाद 2004 में दो रोवर भेजे गए। इन रोवर ने मंगल ग्रह से कई तस्वीरें भेजी। नासा के अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी मंगल की सतह पर मौजूद है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का मंगल ग्रह की ऑर्बिटर में मौजूद है। अब आगे की खोज का काम का जिम्मा मंगलयान का भी है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह भी जीवन को बसाने वाला ग्रह बन सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में अभी इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है। इसकी सतह देखने पर बिल्कुल चंद्रमा और पृथ्वी के ज्वालामुखियों घाटियों और बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है, वो पर्वत मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। साथ ही विशाल कैनन वैलीज मैरिनेरस भी यहाँ पर स्थित है। अपने जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का रोटेशन पीरियड और मौसम में बदलाव भी पृथ्वी के जैसा ही है। विशेषज्ञ के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 12 महीने में करती है, जबकि मंगल को परिक्रमा करने में 26 महीने लगते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। वो इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की धूल होने की वजह से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। 17 सितंबर 2015 को नासा के प्रशासक चार्ल्स बोल्डन ने कहा था कि नासा ने अपने इतिहास में पहली बार मंगल ग्रह पर इंसान उतारने की ठोस योजना तैयार कर ली है। मानव को मंगल पर भेजने के लिए अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन ये निश्चिंत है कि हम वहाँ पहुँचेंगे जरूर। ये कहना गलत नहीं होगा कि एलिसा की मार्स मिशन की तैयारियाँ नासा के इस विश्वास से जुड़कर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। खैर, आपको क्या लगता है, एलिसा मंगल ग्रह पर सर्वाइव कर जाएगी? क्या वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा पाएगी? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।